ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ये पूछते हैं कि हमारी शादी जो होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज होगी ये हमें बताया किस दिशा में होगी। तो ये जो प्रश्न है इनके जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियोज़ जो आपको सकारात्मक ज्योतिष से जुड़े वीडियो हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। दूसरा है कि अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हाँ, तीसरी बात मैं ये भी बताऊँगा कि जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी कुछ उपाय करें जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। देखिए, जब भी कुंडली में लव या अरेंज मैरिज की बात की जाती है तो दाम्पत्य का स्वामी जो होता है शुक्र होता है। तो अगर लव मैरिज होती है तो उसमें शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो व्यक्ति के, क्योंकि शुक्र आकर्षण का केंद्र है, शुक्र दाम्पत्य का केंद्र है। तो शुक्र से ही लव मैरिज को देखा जाता है और उसी आधार पर किसी भी जातक को बताया जाता है कि आपकी लव मैरिज होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सील, संयम, नैतिकता, जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा गंभीर है। हाँ, उसकी कुछ विशेष स्थितियों में भी लव मैरिज की संभावनाएं होती है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति देखकर भी ये बताया जाता है कि किस जातक की अरेंज मैरिज होगी। तो इसी तरीके से जानते हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शुक्र को मजबूत करें, शिव जी को इत्र लगाएं, शुक्र के मंत्र जप करवाएं, उससे आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। ओम नमः शिवाय।